वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। आज हम फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जानने लगे हैं, जिनका नाम है इब्न ज़ोहर। एक साइंटिस्ट जो है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है किसी भी आज जो नॉलेज हम तक पहुंचा है उसको प्रोवाइड करने में। हम आज डोजेज फॉर्म, हम आज मेडिसिन के बारे में, हम आज ट्रीटमेंट के रिलेटेड, डिस्पेंसिंग के रिलेटेड, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, हर चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये सारा कुछ जो है वो हमें साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया, और उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का पूरी दुनिया में नाम रहा है और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इब्न ज़ोहर वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड सर्जन। ये MCQs हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, आपने याद रखनी है। His scientific works included, अब क्या क्या काम हैं इब्न ज़ोहर के। He was a first person who described experimental surgery, so he was considering being the father of experimental surgery. ये अच्छा important point है। He firstly described the procedure for dissection. इन्होंने dissection के procedures के बारे में discuss किया कि कैसे हम चीज़ों को dissect करके उसकी anatomy and physiology को discuss कर सकते हैं। He done remarkable work and contribution to subject neuropharmacology. Neuropharmacology definitely brain की treatment, brain के disorders की treatment with the help of medicines, neuropharmacology. कैसे वो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक जो है वो हम उसका बिहेवियर ड्रग का हमारे ब्रेन के रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो ये न्यूरोफार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया इब्न ज़ोहर ने। इब्न ज़ोहर वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, यानी कि चीज़ों को सूंघने के बाद जो बेहोश की, जैसे क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इस तरह इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। सो ही वाज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द मॉडर्न एनेस्थीजियोलॉजी। एनेस्थीजिया क्या है? बेहोश जो हम करते हैं, जनरल और लोकल एनेस्थीजिया हम देते हैं। अगर हमने स्टिचेस करने हैं किसी फिंगर के रीजन में तो हम उसको लोकल एनेस्थीजिया देते हैं। अगर हमने जनरली पूरी बॉडी को हमने जो है वो अनकॉन्शियस करना है तो हम जनरल एनेस्थीजिया। तो दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ consciousness to unconsciousness for the treatment of a patient, for surgery, for any other purpose, this is called anesthesiology. तो इसके बारे में किसने बताया? इब्न ज़ोहर ने बताया। तो इस आज साइंटिस्ट के इस रोल को स्टडी करने के लिए हमने जो प्रीवियस और आज के लेक्चर में बातें की, मैं एक 30 सेकंड के अंदर इसको रिवाइज कर दूँ, रिकॉल कर दूँ। हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और हमने बताया था कि मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है। अलकिंदी ने रोल प्ले किया है, इब्न नफीस ने किया है, इब्न ज़ोहर ने अपना रोल प्ले किया है, और आज हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।